एंटरटेनमेंट दिल्ली द्वारा मिस एंड मिसेज यूनिवर्सल इंडिया 2019 का ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम करनाल रोड मोहन विलास रिजॉर्ट दिल्ली पर आयोजित किया गया। इस शो में देश भर से 75 मॉडल द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुरादाबाद की प्रियंका गोयल पत्नी शिशिर गुप्ता द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत के कोने कोने से प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और इस ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता में मुरादाबाद का नाम रोशन करते हुए द्वितीय राउंड अप में मुरादाबाद की प्रियंका गोयल को द्वितीय रनर अप घोषित किया गया। मुरादाबाद पहुंचने पर प्रियंका गोयल का गौर ग्रेजियस अपार्टमेंट में जोरदार स्वागत किया गया और कहा गया कि प्रियंका गोयल ने हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस जीत का सेहरा प्रियंका द्वारा अपने पति शिशिर कुमार गुप्ता को दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे हर कार्य में पति का सहयोग रहता है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद करते हैं। साथ ही प्रियंका गोयल द्वारा मुरादाबाद की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। क्या नाम है मैडम आपका? मिसेस प्रियंका गोयल। अच्छा, आपको ये खिताब मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी इविक एंटरटेनमेंट को, जिसकी वजह से मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज हुआ है और पूरे देश में ऑडिशन होने के बाद हमारा ग्रैंड फिनाले दिल्ली में हुआ था, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था और सारे प्रतियोगियों ने बहुत अच्छा सा योगदान दिया था सारा इसमें। और इविक एंटरटेनमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और विहान सर को भी बोलना चाहूंगी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दी और हमें बहुत अच्छा सब कुछ सिखाया था, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था। आप अपनी कामयाबी के पीछे किसका हाथ मानती हैं? अपनी कामयाबी के पीछे मैं अपने हस्बैंड को मानती हूँ, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं शायद इतना सोचती भी नहीं आगे आने का। तो कितने समय से तैयारी कर रही थी आप? काफी टाइम से मैं इस प्रोग्राम के लिए लगी हुई थी। मैंने मुरादाबाद मिसेज मुरादाबाद में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे ब्यूटीफुल आइज का टाइटल भी मिला था। अच्छा, तो आप क्या देश को प्रेरणा देना चाहती हैं, क्या मतलब बोलना चाहेंगी देश के लिए? मैं बोलना चाहूंगी कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है और सपने देखना अच्छी बात होती है, सपने देखना चाहिए और सबसे बड़ा बात कि सपनों को देख के उन्हें पूरा करने का हौसला भी होना चाहिए।